Hello friends, welcome to PS Art. I am Lina Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेक्सचर बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वेट 1280 रखूंगी और हाइट 720 रखेंगे। पिक्सल्स में ही रखना है, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे। कलर मोड आरजीबी कलर सिलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स व्हाइट सेलेक्टेड है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो की प्रेस करेंगे। अब हमें बैकग्राउंड में दूसरा कलर फिल करना है, तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर दूसरा सेट कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे कलर का हैश कोड टाइप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी E2D7C0। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से पेंट बकेट टूल सिलेक्ट करना है और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अब इसके बाद बैकग्राउंड करके जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड इसे सिलेक्ट करना है। नेम इसका लेयर जीरो ही रहने देंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद लेयर जीरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और फिर यहाँ से नॉइज के अंदर एड नॉइज का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट 40% रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्म सिलेक्ट करना है आपको और मोनोक्रोमेटिक को चेक रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हम फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और फिर यहाँ पे ब्लर के अंदर मोशन ब्लर का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री कर लेंगे और डिस्टेंस यहाँ पे 45 रखेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट की साइज के हिसाब से डिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हमें लेयर जीरो की डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 6 की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर बन गई। इसके बाद मोशन ब्लर का जो ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री करना है और डिस्टेंस सेम रखना है 45 पिक्सल। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और अब लेयर जीरो कॉपी करके जो लेयर है इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं यहाँ पे 50% कर लूंगी इसकी ओपेसिटी। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नई लेयर बन गई लेयर वन करके। और यहाँ पे कलर आपको चेक करना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ये वाला हो। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं E2D7C0 है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट करना है। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और फिर यहाँ पे रेंडर के अंदर क्लाउड्स का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। अब हमें लेयर वन का ब्लेंड मोड चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। इसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर ग्रेडियंट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे व्हाइट की जगह ग्रे कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ से ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टाइल में लीनियर की जगह रेडियल सिलेक्ट करना है। एंगल 90 डिग्री रखेंगे और स्केल की वैल्यू बढ़ा देंगे। कर लेंगे और रिवर्स को चेक करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब हमें ग्रेडियंट फिल वन करके जो लेयर है इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओवरले सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ से यू एंड सेचुरेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर कलराइज को चेक करेंगे यहाँ से और सेचुरेशन की वैल्यू बढ़ा देंगे 33 रखेंगे और अब इसे यहाँ से राइट में ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपको जो भी कलर सही लगे वो रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।